स्वागत है आप सभी का मोटिवेशनल कहानियों में। आज की कहानी का शीर्षक है लगातार प्रयास। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसने अपनी एमबीए की शिक्षा पूरी कर एक स्टार्टअप चालू किया। उसने बड़ी मेहनत की, 5-6 महीने तो ठीक चला, परंतु उसके बाद वह नुकसान देने लगा। घर वालों ने, दोस्तों ने उसकी भरपूर सहायता की, परंतु कुछ हो ना सका और स्टार्टअप बंद हो गया। लड़की धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लग गई। दोस्तों ने, घर वालों ने बेहद समझाया कि कोई बात नहीं, लेकिन वह उसका एक सपना था जो उसे प्राप्त करना था। उसकी एक शिक्षिका थी जो उसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी। उसे जब यह बात पता लगी तो उसने उसे अपने घर बुलाया और उससे कहा कि मुझे सब पता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, परंतु बात को समझो, जीवन में काफ़ी लोग फेल होते हैं, यह तो जीवन का एक हिस्सा है। लड़की बोली, मैम आप नहीं समझोगे, इतनी ताकत और धन लगाने के बाद भी सफलता नहीं मिलती तो ऐसे जीवन का क्या मतलब। शिक्षिका समझ गई कि यह बहुत डिप्रेशन में है। वह बोली, मेरे साथ बगीचे में चलो। उसने उस लड़की को एक टमाटर का पेड़ दिखाया जो मरा हुआ था और कहा, बेटा इसे देखो। इतने में लड़की बोली, इसे क्या देखूं, यह तो मेरी तरह मरा हुआ है। वह लड़की लगातार नकारात्मक बातें कर रही थी। शिक्षिका ने कहा, बेटा मैंने भी इस पेड़ के लिए बीज डाले, उसकी पूरी सेवा की, बचाने के लिए दवाइयाँ भी डाली, जो इसके लिए ज़रूरी था वह सब किया, फिर भी यह मर गया। इसमें मेरा कंट्रोल नहीं था कि मैं इस पर टमाटर लगा सकूं, मेरा कंट्रोल मेरी मेहनत पर था जो मैंने पूरी की। लड़की बोली, आप खुद कह रही हैं कि रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है, तो हम ताकत ही क्यों लगाएं, हम क्यों अपने आप को परेशान कर रहे हैं। शिक्षिका को लगा कि इसे समझाना मुश्किल है। वह उसे लेकर घर में गई और स्टोर रूम की तरफ ले गई और दरवाज़ा खोला तो उसमें टमाटरों का ढेर पड़ा था। लड़की चौंक गई। वह बोली, टमाटर का पेड़ तो मरा पड़ा था, यह कैसे। शिक्षिका बोली, मैंने तुम्हें बगीचे का एक पेड़ दिखाया था जो मर चुका था, पूरा बगीचा नहीं दिखाया था, बाकी सारे वो थे जिनकी वजह से इतने टमाटर दिख रहे हैं। हम एक बार फेल हो गए तो ऐसा नहीं कि हम हर बार फेल हो रहेंगे। दोस्तों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, परंतु मेहनत तो करनी पड़ती है। अगर आपको नुकसान नहीं चाहिए तो लाभ की आशा छोड़ दो, अगर आपको हार नहीं चाहिए तो जीत की उम्मीद छोड़ दो। हारता वही है जो जीत के लिए प्रयास करता है। हमें हमारे काम के तरीके बदल बदल कर कर्म करते रहना होगा, तभी असफलता सफलता में बदल जाएगी। कर्म करने में हमें हमारा 100% देना होगा, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। धन्यवाद।